अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद से पूरे देश के राम भक्तों का हुजूम धर्मनगरी अयोध्या में उमड़ पड़ा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रामलला के भक्तों का सैलाब लगातार अयोध्या पहुंच रहा है और ये क्रम अभी आगे भी चलने वाला है। बता दें, प्राण प्रतिष्ठा को लगभग एक महीना हो चुका है और भक्त रामलला के दर्शन करने दूर दूर से पहुंच रहे हैं। लगातार बढ़ रही भक्तों की संख्या को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है जिससे भीड़ बेकाबू न हो। अब इस बीच ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि अभी श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद से पूरे देश के राम भक्तों का हुजूम धर्मनगरी अयोध्या में उमड़ पड़ा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रामलला के भक्तों का सैलाब लगातार अयोध्या पहुंच रहा है और ये क्रम अभी आगे भी चलने वाला है। बता दें, प्राण प्रतिष्ठा को लगभग एक महीना हो चुका है और भक्त रामलला के दर्शन करने दूर दूर से पहुंच रहे हैं। लगातार बढ़ रही भक्तों की संख्या को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है जिससे भीड़ बेकाबू न हो। अब इस बीच ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि अभी श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद से पूरे देश के राम भक्तों का हुजूम धर्मनगरी अयोध्या में उमड़ पड़ा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रामलला के भक्तों का सैलाब लगातार अयोध्या पहुंच रहा है और ये क्रम अभी आगे भी चलने वाला है। बता दें, प्राण प्रतिष्ठा को लगभग एक महीना हो चुका है और भक्त रामलला के दर्शन करने दूर दूर से पहुंच रहे हैं। लगातार बढ़ रही भक्तों की संख्या को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है जिससे भीड़ बेकाबू न हो। अब इस बीच ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि अभी श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट।